कन्हैया कक्कड़ और आदित्य नारायण की शादी खबरें इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। शो इंडियन आइडल में इन दोनों की शादी का फॉर्मेट चल रहा है और शो में की गई अनाउंसमेंट के मुताबिक 14 फरवरी को दोनों के शादी के बंधन में बंधने की खबरें आई थी। लेकिन शादी से पहले यानी कि 14 फरवरी से लेके पापा उदित नारायण ने बेटे आदित्य और बहू नेहा को लेकर कर दिया है बड़ा खुलासा। जी हां, आपको बता दे कि हाल ही में हुए इंटरव्यू के दौरान पापा उदित नारायण ने कहा कि आदित्य हमारा इकलौता बेटा है, हम उसकी शादी का इंतजार कर रहे हैं। अगर शादी की अफवाहें सत्य होती और सच होती तो हम दुनिया के सबसे खुशनसीब माँ बाप होते। लेकिन आपको बता दे कि आदित्य ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उदित ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि नेहा कक्कड़ और आदित्य की शादी की अफवाहें केवल टीआरपी के लिए उड़ाई गई हैं। यहाँ नेहा जज है और मेरा बेटा एक एंकर है। आपको बता दे कि इससे पहले भी उदित नारायण ने इंटरव्यू में कहा था कि नेहा बहुत बहुत प्यारी लड़की है और वह गाती भी अच्छा है और मुझे नेहा पसंद भी है और सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि सभी को काफी पसंद है। नेहा ने इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से एक खास पहचान बनाई है, मैं उनके गाने भी सुनता रहता हूँ। नेहा और आदित्य को लेकर उन्होंने कहा था कि दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, अच्छे जानते हैं, दोनों की अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन आगे उनका मुझे नहीं पता टीवी पर दोनों को लेकर खबरें क्या आ रही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि दोनों शादी कर रहे हैं नहीं। अगर ऐसा होता है और वाकई में दोनों की शादी होती है तो मैं इस शादी से बहुत खुश होऊंगा। तो देखा आप सभी ने कि किस तरह उदित नारायण ने शादी से पहले नेहा और आदित्य की शादी को लेकर खुलासा कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि ये सब शो के टीआरपी के लिए और शो में हंसी मजाक के तौर पे किया जा रहा है, लेकिन फैंस को लगातार इन दोनों की शादी का इंतजार है और 14 फरवरी के आने का लगातार फैंस इंतजार कर रहे हैं। वेल, उदित नारायण के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट नई लाइव से गीतांजलि की रिपोर्ट।